Good morning, dear students. Welcome to our English Parade. I hope you all are fit and fine at home. Okay. So, dear friends, as we know the importance of trees in our life, trees plays very important role in our life. Tree gives us oxygen, wood, and keeps our surrounding atmosphere clean. Okay, and that is the importance of tree. Without trees, the life is not possible on the earth. Okay, now when the trees grow, but before that it comes from seed, and then the seed converted into a plant, and the plant grows into a tree, big tree. Okay, so dear friends, today we are going to talk about a story of such a small tree, what he think, okay, and what he thought about looking at other trees in the forest. So we are going to talk about in today's spread unit number 12, the little fir tree. Okay, the little fir tree. So please open page number 89 of your English textbook. All right, now I am going to read and explain each and every line of the unit 12. So are you ready? Okay, let's do it. Far away in a forest grew a little fir tree. It was a beautiful tree, but it was not happy. Okay, so there was in the forest grew a little fir tree. Okay, and this fir tree was very beautiful tree, but it was not happy. Now why it was not happy? Kyun nahi tha ye khush? Let's see. It wanted to be tall like the other pine and fir trees that grew all around it. वो चाहता था कि उसके आजू बाजू में जो भी ऊंचे ऊंचे पाइन के और फर के दूसरे ट्रीज है उनकी समान ही वो भी ऊंचा ऊंचा और बड़ा बने. ओके, सो द चिल्ड्रन पासिंग बाय सेड व्हाट अ प्रीटी लिटिल फर ट्री. ओके, जो भी बच्चे वहां से गुजरते थे वो इस लिटिल फर ट्री को देखकर आश्चर्यचकित होते थे, सरप्राइज होते थे और कहते थे व्हाट अ प्रीटी लिटिल फर ट्री बिकॉज इट वॉज सो ब्यूटिफुल. इंस्टेड ऑफ फीलिंग हैप्पी द ट्री फेल्ट स्मॉलर देन एवर. लेकिन इस बात पर वो खुश होने की बजाय जो लिटिल फर ट्री था वो और भी नर्वस होता था और अपने आप को छोटा महसूस करता था. इट डिड कीप ग्रोइंग एज ऑल ट्री ग्रो. इस ये भी बढ़ रहा था, इसकी भी हाइट बढ़ रही थी जैसे कि बाकी सभी पेड़ों की बढ़ रही थी. बट इट वॉन्टेड टू ग्रो वेरी फास्ट. लेकिन ये चाहता था कि इसकी हाइट जल्द से जल्द उन बड़े पाइन एंड फर ट्रीज की तरह हो. ओके, इट वॉन्टेड द बर्ड्स टू बिल्ड देयर नेस्ट इन इट्स ब्रांचेस. वो चाहता था कि जो बर्ड्स है, पक्षी है, पंछी है, वो अपने नेस्ट, घोंसले उसके ब्रांचेस पे बनाए. इट सेड हाउ आई विश आई कूड बी टॉल एंड स्प्रेड आउट माई ब्रांचेस एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड मी. ओके, वो चाहता था और विश करता था कि काश मैं भी ऊंचा होता और मेरी ब्रांचेस सभी तरफ फैली होती और पूरी दुनिया की तरफ मैं देखता. टू मेक इट फील इवन वर्स ही द हेयर्स यूज्ड टू जंप ओवर इट. और जब इसको ऐसा लगता था, ये छोटा सा था, तो जब इसके ऊपर से फिर भी जो हेयर्स थे, जो हिरन थे, वो इसके ऊपर से कूदा करते थे और इसको और भी बुरा लगता. ओके, नाउ फिर धीरे धीरे क्या हुआ? स्लोली द ट्री ग्रू टॉलर एंड द हेयर्स हैड टू रन अराउंड इट. अब धीरे धीरे हमारा ये जो लिटिल ट्री था, लिटिल फर ट्री था, ये धीरे धीरे बढ़ने लगा, ऊंचा होने लगा और अब जो हेयर्स थे, हेयर्स मीन्स
हिरन ओके, तो वो अब इसके ऊपर से कूद नहीं पा रहे थे, तो वो इसके आजू बाजू घूमते थे, बट इट वॉज स्टिल नॉट हैप्पी। लेकिन फिर भी ये हमारा लिटिल ट्री जो कि अभी बड़ा हो रहा था, ये बिल्कुल खुश नहीं था। इट वॉज द ब्रांचेस ऑफ द अदर फर ट्रीज बींग कट डाउन बाय वुड कटर्स ओके। वो देखता था कि उस जंगल में, उस फॉरेस्ट में, इट वॉज द ब्रांचेस ऑफ द अदर फर ट्रीज, कि दूसरे फर ट्रीज की जो ब्रांचेस है, टहनिया है, उनको वुड कटर्स द्वारा काटा जाता है ओके। वो देख रहा था कि वुड कटर्स उन दूसरे पेड़ों को काटता था ओके। तो इट सॉ जस्ट द टॉल स्लिम ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज एंड वॉन्डर्ड व्हाट वुड बिकम ऑफ देम। वो उन स्लिम ट्रंक्स मतलब जो वुड कटर्स फर ट्रीज को, बड़े बड़े वुड कटर्स बड़े बड़े फर ट्रीज को काटते थे, उसकी जो ट्रंक होता था उसको देखकर, और काफी वो टॉल और स्लिम ट्रंक को देखकर इसे आश्चर्य होता था और ये सोचता था कि उसका ये क्या करते होंगे। इट आस्क द स्वेलोज बट दे डिडंट नो। इट आस्क द स्वेलोज, उसने एक पंछी को पूछा ओके, स्वेलो इस नाम के पंछी को पूछा, बट दे आल्सो डिडंट नो ओके। इट आस्क द स्टॉर्क ओके, स्टॉर्क इट इज आल्सो बर्ड हैविंग लॉन्ग लेग्स एंड इट सर्च इज वाटर फूड इन द वाटर। It asked the stork and it said, "I flew across the sea and saw the tall mast of ships." तो उस stork, इस बर्ड ने कहा कि मैं समुद्र में उड़ता हूँ, ओके, और मैंने देखा है कि इन पेड़ों को कहाँ यूज करते हैं, तो टॉल मास्ट ऑफ शिप्स, तो इन पेड़ों को, अ टॉल मास्ट मीन्स अ टॉल स्ट्रक्चर ऑन अ शिप दैट होल्ड्स द सेल्स ओके। नीचे आपके पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि जो बीच में शिप में जो एक लकड़ी का बहुत बड़ा होल होता है और उस पर ही बाकी की शिप की रस्सियां रोप्स बांधी हुई होती है, तो इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वो कहता है कि शायद शिप में मास्क बनाने के लिए ये यूज होता होगा, मे बी दे आर मेड आउट ऑफ द ट्रंक्स ऑफ फर ट्रीज। और वो ये भी कहता है कि शायद वो इस ट्रंक, ये फर ट्रीज के ट्रंक से ही बनता होगा। देन द सनबीम सेड, बी हैप्पी दैट यू आर यंग। सनबीम मतलब रेज ऑफ लाइट, उससे कहते हैं छोटे लिटिल फर ट्री से कि बी हैप्पी दैट यू आर यंग, अरे तुम तो कितने लकी हो, तुम खुश रहो कि तुम अभी छोटे हो ओके। द विंड किस द ट्री एंड द ड्यू ड्रॉप्स फेल अपॉन इट। जो हवा थी वो भी उसे चिपक कर उसको टच करके जाती थी और कुछ ड्यू ड्रॉप्स उसके ऊपर गिरते थे, बट द ट्री डिडंट बॉदर अबाउट देम। लेकिन ये लिटिल फर ट्री को कोई उनकी चिंता नहीं थी, उसकी खुशी नहीं थी। दैट ईयर एट क्रिसमस टाइम सम यंग ट्रीज वर कट डाउन अलोंग विद देयर ब्रांचेस। और उसी साल क्या हुआ दोस्तों, कि क्रिसमस के समय में, क्रिसमस टाइम में, वो जो कुछ छोटे छोटे पेड़ थे फर ट्रीज के ओके, उनको भी उनकी ब्रांचेस के साथ में काटा गया ओके। अब क्या हुआ, द वुड कटर्स प्लेस देम ऑन वैगन्स एंड कार्ट्स एंड टुक देम अवे। द फर ट्री डिडंट नो वेयर दे वर गोइंग। सो जो वुड कटर्स आए थे शहरों से, वो उन पेड़ों को काटे, उन्होंने उस फर ट्रीज को काटे, उनके ब्रांचेस को काटे, प्लेस देम ऑन वैगन्स ओके। वैगन्स मतलब जो कार्ट होती है, बैलगाड़ी थी ओके, तो ऐसी चीजें जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। प्लेस देम ऑन वैगन्स एंड कार्ट्स एंड टुक देम अवे। और वो उनको दूर लेके गए। कहाँ लेके गए? नोबडी नोज। द फर ट्री डिडंट नो वेयर दे वर गोइंग। इस फर ट्री ये सब देख रहा था और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये सब कहाँ लेके जा रहे हैं। वी नो सेड द लिटिल ब्राउन स्पैरोज। तब जो छोटी स्पैरोज थी ब्राउन कलर की, उन्होंने कहा कि हाँ हमें पता है, हमें पता है, वी नो दे आर गोइंग फॉर क्रिसमस टू ग्रेट हाउसेस इन द सिटी। मैंने कहा कि ये जो फर ट्रीज है, स्लिम एंड टॉल फर ट्रीज है, ये सब वैगन्स में कहा जा रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर क्रिसमस टू ग्रेट हाउसेस इन द सिटी। ग्रेट हाउसेस मीन्स अ वेरी वेरी बिग हाउसेस इन द सिटी, शहरों में जा रहे हैं। दे विल बी डेकोरेटेड विथ कैंडल्स एंड बेल्स, स्टार्स एंड कलरफुल शाइनी वेल्स।
वो क्रिसमस के लिए जा रहे और शहरों में लेकर जाकर उन्हें बड़े मकानों में, बड़े घरों में डेकोरेट किया जाएगा कैंडल्स से, बेल्स से, उसमें स्टार्स लगेंगे और बहुत ही कलरफुल शाइनी बॉल्स भी लगेंगे। एंड देन व्हाट हैपन्स, आज द लिटिल फर ट्री एक्साइट होकर और अमेज होकर और ईगरली द लिटिल फर ट्री वॉन्टेड टू नो मोर, एंड उसने पूछा कि एंड देन व्हाट हैपन्स, उसके बाद में क्या होने वाला है। तो द स्पैरो सेड वी डोंट नो अबाउट दैट, हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। ओके, और इस बात पर ओ व्हेन विल इट बी क्रिसमस अगेन, सेड द ट्री। ओके, ये लिटिल फर ट्री ने कहा ओ नो, फिर अभी नेक्स्ट टाइम क्रिसमस कब आने वाला है। आई टू वॉन्ट टू गो टू अ ग्रेट बिग हाउस, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी डेकोरेटेड। ओके, तो इसकी भी इच्छा हुई कि मैं भी शहरों के ग्रेट हाउसेस में जाऊं और मुझे भी क्रिसमस में क्या करे, डेकोरेट करे। वो कहता है कि फिर से क्रिसमस कब है, आई टू वॉन्ट टू गो टू अ ग्रेट बिग हाउस, मैं भी उस बड़े महान घर में जाना चाहता हूँ, शहरों में जाना चाहता हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी डेकोरेटेड, मैं भी चाहता हूँ कि मुझमें भी कैंडल्स, बेल्स, स्टार्स और कलरफुल शाइनी वॉल्स लगे, मैं भी सुंदर दिखना चाहता। ओके, और उसके इस नादानी पर, नादान भरी बातों पर, बी हैप्पी विद अस, सेड द एयर एंड द सन। सन और एयर ने उसे कहा कि बी हैप्पी विद अस, हमारे साथ में यहाँ पर खुश रहो, इंजॉय योर लाइफ इन द फ्रेश एयर यहाँ पर। ओ डियर लिटिल फर ट्री, डोंट वॉन्ट टू बी, ओके, डोंट विश टू गो टू द सिटी इन बिग हाउसेस। ओके, इंजॉय योर लाइफ इन द फ्रेश एयर, इसी फ्रेश एयर में तुम क्या करो, अपनी जिंदगी को जियो। ओके, फिर क्या हुआ, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, नेक्स्ट क्रिसमस द फर ट्री लुक्ड रियली ब्यूटीफुल। अब एक साल हो चुका था और ये फर ट्री और भी बड़ा हो चुका था और ये अभी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर दिख रहा था। नेक्स्ट क्रिसमस द फर ट्री लुक्ड रियली ब्यूटीफुल, एवरीवन हु सॉ इट लव्ड इट, जो भी इस पेड़ को देखता था उसको ये पेड़ पसंद आता था। इट वॉज द फर्स्ट वन टू बी कट डाउन, और जो भी वुड कटर वहां पे आता था वो सोचता था कि सबसे पहले इसी को काटना चाहिए। एज द एक्स वेंट इन टू इट्स ट्रंक द ट्री फेल्ट वीकनेस एंड फेड, और जैसे ही वुड कटर की एक्स इसके ट्रंक पर मारा, उसी समय इस लिटिल फर ट्री को क्या होने लगा, जो कि अभी बड़ा हो चुका था, वीकनेस, कमजोरी और दर्द होने लगा। इट फॉरगॉट दैट इट हैड बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, वो ये अब भूल चुका था कि वो इसी दिन का कई दिनों से वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था वो इसी समय का। आफ्टर एन अनकंफर्टेबल राइड इन अ कार्ट, उसको काट कर, उसकी ब्रांचेस छाट कर, कटिंग कर एक कार्ट में डाला गया, और इसकी वो जर्नी अनकंफर्टेबल थी, उसको काफी दर्द हुआ। ओके, इट रीच्ड द कोर्ट यार्ड ऑफ अ हाउस, शहर में वो एक हाउस के कोर्ट यार्ड में, आंगन में ठहरा। ऑफ द मेनी ट्रीज इन द कार्ट द फर ट्री वॉज चूजन, उस हालांकि उस कार्ट में, उस गाड़ी में बहुत सारे फर ट्रीज थे और भी थे, लेकिन ये सबसे प्रिटेस्ट होने के कारण, सबसे सुंदर होने के कारण इसको चुना गया। क्यों, व्हाई द फर ट्री वॉज चूजन फर्स्ट, बिकॉज इट वॉज द प्रेटियस्ट वन। ओके, इट वॉज द प्रेटियस्ट ट्री, इट वॉज द वेरी वेरी ब्यूटिफुल ट्री। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स विद दिस फर ट्री इन द सिटी हाउस इन द क्रिसमस टाइम, डियर फ्रेंड्स, वी विल सी इन द नेक्स्ट पीरियड। सो व्हाट एवर द डिफिकल्ट वर्ड्स आर देयर, प्लीज यूज योर डिक्शनरी, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल द वर्ड्स मीनिंग्स, बट ऑल्सो प्लीज यूज योर डिक्शनरी एंड राइट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स इन टू योर नोटबुक एंड कॉपी। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट पीरियड, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।